Hello everyone. वेलकम बैक टू द कोड कोडविक्सा यूट्यूब चैनल और यह सीरीज का सिक्स पार्ट है और इस वीडियो में आप सीखने वाले हूँ बिटवाइज ऑपरेटर सो स्टूडेंट्स बिटवाइज ऑपरेटर जो कि जावा प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक में आप सीखने वाले हूँ बाइनरी कन्वर्जन बिकॉज जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं बाइनरी कन्वर्जन को यूज करके सो so, स्टूडेंट्स आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड इस वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट सो हेयर स्टूडेंट्स बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क ऑन ए बाइनरी इक्वेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन दैम बिट बाय एज पर द गिवन ऑपरेटर्स जो यहाँ पे ऑपरेटर्स दिए गए हैं ठीक है मीन्स ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं इक्वलेंट होता है बाइनरी के जब भी आप वहाँ पे कोई वैल्यू को इनपुट कराओगे तो वो इक्वेलेंट हो जाएगी बाइनरी के मीन्स कन्वर्ट uh, हो जाएगी बाइनरी में देन उसके बाद में ही उस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है सो स्टूडेंट्स देर इज सम पॉइंट्स यू हैव टू कंसिडर फर्स्ट द ऑपरेंट्स आर कन्वर्टेड टू देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मीन जो भी आपके ऑपरेंट हो गए जो भी वेरिएबल्स आप वहाँ पर डिक्लेयर करोगे सबसे पहले वो क्या होगा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा दैन नेक्स्ट द ऑपरेटर्स इज अप्लाई टू ईच बाइनरी नंबर एंड रिजल्ट इज कैलकुलेटेड जो ऑपरेटर आप वहाँ पे यूज़ करोगे ठीक है इनमें से कोई भी ऑपरेटर वहाँ पे यूज़ करोगे वो आपके बाइनरी इक्वलेंट जो नंबर आया है उसमें अप्लाई हो जाएगा एंड फाइनली द रिज़ल्ट इज कन्वर्टेड बैक टू द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसके बाद में जो रिज़ल्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में और प्रिंट हो जाएगा so, सो स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये किस तरह से कन्वर्ट होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ सो कंटिन्यू विद दिस वीडियो दीज आर द ऑपरेटर्स वी विल यूज टू कन्वर्ट एंड वी विल मेक The program one by one using all these operators. So, students, first of all, open your blue Jay and create a class if operators six static void main. तो क्लास हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड इसके लिए हमें कम से कम दो वेरिएबल का नीड होगा तो यू कैन डिक्लेयर एंड असाइन द वैल्यूज़ डायरेक्टली मैं यहाँ पे मैं यूज करूँगा स्टैटिक वेरिएबल को आई मीन स्टेटिक ए इक्वल टू फाइव एंड बी इक्वल टू नाइन ओके यहाँ पे मैंने इन दोनों को यूज कर लिया है एंड एक और वेरिएबल का हमें नीड होगा जहाँ पे हम एक्शन को परफॉर्म करके वैल्यू को स्टोर कराएंगे जो कि आपका एक्स हम यहाँ पे ले सकते हैं सो so, स्टूडेंट्स और पहला ऑपरेटर है हमारा एंड ऑपरेटर ओके बिटवाइज एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एक्सक्लूसिव या फिर इसको एक्ज़ोर भी बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट right शिफ्ट ओके okay, तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे और किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट बिकॉज प्रोग्राम से जरूरी होता है उसका आउटपुट समझना कि किस तरह से आउटपुट वहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ओके okay, बट समझ लिया तो आपको आगे तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सो फर्स्ट ऑपरेटर इज द एंड ऑपरेटर तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए एंड बी ओके एंड यहाँ पर जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को तो हम बाद में प्रिंट कराएंगे लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि आउटपुट क्या आ सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है और उसको हमें परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ कैलकुलेशंस की आप चाहे तो कॉपी अपना यूज कर सकते हैं रफ़ कॉपी ओके एंड लेट्स सी पेंसिल एंड यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखने वाला हूँ जो कि इंटीजर टाइप का ए सॉरी ए इक्वल टू फाइव हमने डिक्लेयर किया है एंड बी इक्वल टू नाइन हमने डिक्लेयर किया है ओके तो जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले जो हमारे ऑपरेंट्स होंगे सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएंगे बाइनरी में तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं और बाइनरी में कन्वर्ट करने पे जो फाइव का वैल्यू आता है वन ज़ीरो वन हो सकता है थोड़ा सा वीडियो ये लेंथी हो जाए बट अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और नाइन को हम कन्वर्ट करेंगे वन जीरो जीरो वन ओके अगर आपको बाइनरी आता है तो आपको ये समझ में आ गया होगा अगर बाइनरी नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो लिंक आ, भेज दिया है आप वहाँ पे जाके बाइनरी कन्वर्जन को चेक कर सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सो स्टूडेंट्स अगर हम बाइनरी में देखें तो ये होता है फाइव वन जीरो वन ठीक है ये जीरो हमने एक्स्ट्रा लगाया जो कि लेफ़्ट साइड में है हम यूज कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए कैलकुलेशन के लिए ठीक है और एंड ऑपरेटर का एक टेबल होता है कि अगर वैल्यू हमारी वन वन होती है तो आउटपुट हमारा वन होता है ठीक है इन केस ऑफ ऑपरेटर एंड एंड ऑपरेटर ठीक है इसका एक ट्रूथ टेबल होता है ट्रूथ टेबल आप जाके चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे भी मिल जाएगा आपको सो so, यहाँ पे वन और वन आता है वन अकॉर्डिंग टू द टेबल जो आपके टू टेबल है वन वन होता है वन जीरो जीरो होता है जीरो ओके वन जीरो जीरो एंड वन ज़ीरो सॉरी जीरो वन जीरो ओके तो ये बाइनरी में ही हमारा आउटपुट आया है जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में और डेसिमल में ये वैल्यू आएगी वन ओके okay? तो अभी तक हमने यहाँ पे इसको कंपाइल नहीं किया है तो कंपाइल कर लेते हैं कंपाइल करके जब इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा सो so, आउटपुट क्या आ रहा है वन दैट मीन जो हमारी कैलकुलेशन है वो आपकी करेक्ट है ओके okay? कि सबसे पहले हमने क्या 5, 5 किया यहाँ पे फाइव फाइव को कन्वर्ट किया वन जीरो वन में नाइन को कन्वर्ट किया वन जीरो जीरो वन में देन उसको कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू द टेबल जो कि और ऑपरेटर की सॉरी एंड ऑपरेटर की टेबल होगी वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हम फॉलो करते हैं ओके चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा और ऑपरेटर बिटवाइज और ऑपरेटर जो कि उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिम्बल को पाइप को ठीक है कीबोर्ड के एंटर के ऊपर मोस्टली ये की आपको मिल जाएगी और ऑपरेटर ओके okay? तो इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करने से पहले हम इसका आउटपुट देख लेते कि क्या आएगा सो so, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं क्योंकि आउटपुट हमारा डिफरेंट होगा और डिफरेंट क्या होगा ठीक है कन्वर्जन हमने ऑलरेडी यहां पे किया हुआ है बस हमें आउटपुट लिखना है सो so, और ऑपरेटर में जो वैल्यूज होती हैं वन 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 होता है जीरो 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 होता है वन ज़ीरो वन होता है एंड जीरो वन वन होता है ये हमने जो आउटपुट लिखा है ये लिखा है और ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग ओके सो यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो आया है थर्टीन अब ये थर्टीन क्यों आया है बिकॉज ये वाला जो बिट होता है ये होता है आपका एट का ये फोर का होता है और ये वन का होता है सो एट प्लस फोर प्लस वन इक्वल टू थर्टीन अब आउटपुट थर्टीन आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी हम चेक कर लेते हैं कंपाइल एंड यू कैन एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम इसको भी बंद कर दो ओके राइट क्लिक एंड वोइड मेन आउटपुट इज थर्टीन दैट मीन्स जो हमारा कैलकुलेशन है वो करेक्ट है चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा एक्सक्लूसिव बिट वाइज ऑपरेटर सो स्टूडेंट्स इसका भी एक टेबल होता है ट्रू टेबल होता है उसमें भी हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट निकाल पाएंगे सो so, वो ट्रू टेबल क्या होता है कि अगर सेम वैल्यू है वन वन तो आउटपुट हमारा जीरो आता है उसमें ओके okay? अगर वैल्यू हमारी डिफरेंट हो जाती है जीरो वन ज़ीरो वन तो वैल्यू आउटपुट आता है हमारा वन तो इस केस में इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आउ, आउटपुट आएगा ठीक है एक्सक्लूसिव के केस में सेम वैल्यू आउटपुट जीरो चाहे वो जीरो जीरो हो चाहे वो वन वन ओके एंड वन जीरो वन एंड जीरो वन वन डिफरेंट वैल्यू है तो वन सेम वैल्यू है तो जीरो तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे जो आउटपुट आता है वो आता है आपका ट्वेल्व चलो इसको मैं फिर से लिख देता हूं हियर ट्वेल्व ओके सो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए चलो जो एक्सक्लूसिव का ऑपरेटर होता है ये होता है जो कि आपके कीबोर्ड में की नंबर सिक्स होती हैं ओके स्विफ्ट के साथ में आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका ऑपरेटर चेंज हो जाएगा स्विफ्ट के साथ में सिक्स को प्रेस करो तो ये चेंज हो जाएगा आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं क्या है ट्वेल्व आ रहा है नहीं आ रहा है यस ट्वेल्व आउटपुट आ रहा है हमारी ये कैलकुलेशन भी करेक्ट है ओके नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आपका बिटवाइज़ लेफ्ट शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट मीन जो आप यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सिंगल ऑपरेंड को हम यहाँ पे यूज करेंगे ओके okay? एंड एक पोजिशन देंगे लेफ़्ट शिफ्ट या राइट right शिफ्ट उसको भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो ओपरेंट यूज करेंगे वो यूज करने वाले हैं बी को ओके okay? बी हमने क्यों किया वो भी आपको समझ में आ जाएगा सो ऑपरेटर अप्लाई होगा बी लेफ्ट शिफ्ट डबल लेस देन हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है और कितना पोजीशन करें वन पोजीशन चलो सबसे पहले इसका आउटपुट हम चेक करते हैं बी का वैल्यू है नाइन सो नाइन को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है कितना पोजीशन करना है जस्ट चेक वन पोजीशन करना है ओके okay? सो so, ये जो वन है ये वाला जो वन है ये जो वैल्यू है वन जीरो जीरो वन इसको अगर हम वन पोजिशन लेफ्ट शिफ्ट करें तो यहाँ पे जीरो ज़ीरो जीरो सॉरी लास्ट वाला ज़ीरो नहीं है वन है ओके okay? ये, ये इधर शिफ्ट हो गया है ये इधर शिफ्ट हो गया है ये इधर शिफ्ट हो गया है और ये इधर शिफ्ट हो गया है बचा हुआ जो पार्ट है वहाँ पे हम जीरो कर देंगे तो ये हमारा आउटपुट आता है अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट आता है 18। बिकॉज़ ये वाली जो बिट होती है 16 की होती है और ये वाली जो होती है 2 की 16 प्लस टू इक्वल टू एटीन चलो एक बार आउटपुट भी चेक कर लेते हैं कंपाइल कंपाइल करने के बाद में एग्जीक्यूट करो तो आउटपुट आपको यहाँ पे चेक करने को मिलेगा 18। ओके okay, ये था आपका लेफ़्ट शिफ्ट अब बात करते हैं राइट right शिफ्ट की तो राइट right शिफ्ट में हम यूज़ करेंगे डबल ग्रेटर देन फाइन सो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं डबल ग्रेटर देन कितना पोजिशन वन और टू जो भी आप चाहे अगर आप यहाँ पे टू करोगे तो टू पोजिशन शिफ्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे वन करोगे तो वन फाइन ओके अभी तक हमने इसको कंपाइल तो कर दिया है बट एग्जीक्यूट नहीं कराया एग्जीक्यूट कराने से पहले हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में ये वाला वन यहाँ आ जाएगा ये वाला ज़ीरो यहाँ आ जाएगा और ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा बचा हुआ वन हम नहीं लिखेंगे इट तो फाइनल जो वैल्यू आती है वो है ये वाली ओके वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो जो कि इक्वेलेंट होगा डेसिमल नंबर के फोर के तो एक बार चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है कंपाइल कंपाइल करने के बाद में एग्जीक्यूट जब आप अपने प्रोग्राम को कराओगे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा फोर ओके okay? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए ठीक है रही बात आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम की तो वीडियो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है आप उसको जाके देख सकते हैं जिसमें आपको चारों नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे बाइनरी डेसीमल ओक्टल एंड हैग्जा डेसीमल वहाँ पर आ जा आप कन्वर्जन को चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको टू टेबल भी मिल जाएगी सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर न्यू हमारे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को शेयर करना ना भूलें सो टिल देन हैव ए गुड डे बाय बाय थैंक यू